तो कैंडिडेट्स मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो कोई भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, आइदर आपका 75% होना चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 65% इनफ है, और एल्स आपको कैटेगरी वाइज टॉप 20% होना चाहिए। आपका जो भी स्टेट बोर्ड है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल बोर्ड या बिहार बोर्ड, तो उसमें आपको टॉप 20% में आना चाहिए। नहीं तो अगर आपका 75% से ज्यादा है बोर्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कुछ नहीं चेक करना, आप एलिजिबल है। तो परसेंटेज कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि 75% आपका है या नहीं, तो ये आप ध्यान से सुनिए। फॉर आई फॉलोइंग सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट विथ हायर मार्क्स विल बी टेकन एट एनी सब्जेक्ट अदर देन द अबव फोर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लगेगा ही, उसके साथ कोई भी दो लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि इंग्लिश होना पड़ेगा, ये कहीं नहीं लिखा है, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से मैंने उठाया है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ही चाहिए एंड उसके साथ और दो सब्जेक्ट जिसमें आपका सबसे ज्यादा मार्क्स हो। तो ये पांच सब्जेक्ट का आउट ऑफ 500 अगर आपको 75% आ रहा है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल है फॉर आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीज। सिमिलरली फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब एनआईटीज ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीज, फॉलोइंग सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर बीटेक, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड मैथ्स। तो इधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपलसरी नहीं है, फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है एंड उसके साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसमें भी आपका ज्यादा मार्क्स हो, एंड इसके साथ कोई भी और दो सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज होना ही पड़ेगा, आइदर इंग्लिश हो सकता है नहीं तो फिर अगर आपका मदर टंग जो भी है बंगाली आसामीज जो भी है उसमें अगर आपका ज्यादा मार्क्स है तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं, एंड इसके साथ एनी सब्जेक्ट अदर देन द अबव फोर। तो ये सब मिला के अगर आपका 75% आ रहा है आउट ऑफ 500 बेसिकली कैलकुलेट होगा, अगर आपका 75% आ रहा है तो डेफिनेटली एलिजिबल है सारे कॉलेजेस के लिए। एंड टॉप 20% क्राइटेरिया क्या है, सो अगर आपका बोर्ड में 70% नहीं है तो फिर आप ये क्राइटेरिया चेक करिए, आपका बोर्ड पे टॉप 20% है कितने परसेंटेज पे बन रहा है, ये बेसिकली आपको चेक करना होगा। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव बोर्ड स्टेटिंग दैट ही और शी फॉल्स विदिन द टॉप 20% ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू डू सो देन द कट ऑफ मार्क्स इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज फॉर द सीबीएसई विल बी यूज्ड। तो अगर आपका 75% नहीं है तो आपने बोर्ड ऑफिस जाइए एंड उधर से एक सर्टिफिकेट निकालिए कि आप टॉप 20% में बिलोंग करते हैं अपने स्टेट में, तो फिर आप एलिजिबल होंगे जोसा काउंसिल में, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपका 75% नहीं है, ये सर्टिफिकेट आपको निकालना पड़ेगा अपने बोर्ड ऑफिस जाके, अपने स्टेट में बोर्ड ऑफिस तो होगा ही, उधर जाके बात करिए, वो लोग आपको दे देंगे। एंड काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद जोसा में भी एक डेटा आया था, लास्ट साल का डेटा मैं लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं, ऐसे ही इस बार भी आएगा कि टॉप 20% किस बोर्ड में कितने परसेंटेज पे बने, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप टॉप 20% में लाई करता है या नहीं। बट ये चीज ध्यान रखना है कि 75% अगर है तो फिर ये सब लेके पैनिक मत करिए, बहुत लोग ऐसे काउंसलिंग के टाइम फालतू में पैनिक करते हैं। टॉप 20% उन्हीं को चाहिए जिनका 75% नहीं है, 75% अगर है कोई भी बोर्ड ऑफ आर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल है। ऑल इंडिया रैंक 3070 99.7% इन जेईई 23, ऑल इंडिया रैंक 150 इन डब्ल्यूबीजेई 2023, इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं। Now that you have cleared the JEE mains, you'll get into a college. So how did you prepare for the counseling process? That's what I mean to ask. You can take guidance from your close teachers or maybe friends who previous year senior friends who have already applied, or you can take guidance from YouTube channels or videos also. Like I told you before, I did my counseling from that Gaurav Roy, right, he is right, right now reading in my college only. You can search it, Gaurav Roy, NIT Durgapur. So ऐसे बहुत लोगों का काउंसलिंग मैं ही करवाया था। सो ये फॉर्म जब आप ओपन करेंगे ऐसे कुछ दिख रहा होगा, नेम, जेंडर, आपको ये सारा डिटेल्स भरना है, स्पेशली CRL एंड JEE मेन सेशन टू परसेंटेज, तो ये सारा डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरना है। एंड अगर आपको कैटेगरीज है तो आपका कैटेगरी रैंक एंड आप किस क्लास में है, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दे दीजिए। एंड इधर आपको जाना है अर्ली बर्ड ऑफर, तो इस सेक्शन में अगर आप सिलेक्ट करेंगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस है 699, 499, 199। ये UPI आईडी है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं एंड इसको जरूर फिल कर दें। सो पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे आप फिल करके इधर सबमिट कर देना एंड देन आपको विद इन 6 आवर्स मेरे द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा।